In this secondary maths class, a teacher has taken his students outside for a geometry lesson. During the lesson, he uses a range of questioning techniques. He begins with some quick questions about triangles to engage the class. The teacher asks his students how many types of triangle there are, what they are called, and what they look like. जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु किसको बोलते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 बहुत अच्छा Next, the teacher conducts a practical demonstration about the interconnected properties of triangles and circles and uses questions to check his students' understanding. अभी आपने देखा कि किस प्रकार यह एक क्या था कैसा त्रिभुज था समद्विबाहु त्रिभुज एक शीर्ष को हम लोगों ने स्थिर रख के इसको जब घुमाया तो यह कैसा पथ बन गया तो हम लोग त्रिभुज से त्रिभुज एक ज्यामिति से वृत्त ज्यामिति की ओर पढ़ेंगे देखिए कि त्रिभुज से किस प्रकार यह एक वृत्त बन गया अब यह जो फिगर आपके पास है यह त्रिभुज का जो शीर्ष था मतलब ये शशिकांत ये वृत्त का क्या बना हुआ है वृत्त का केंद्र बन गया और ये वृत्त का क्या हो गया इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को अगर केंद्र रखकर घुमाया गया और घुमाने के बाद जो पथ बना हुआ पथ कैसा हो गया वृत्ताकार पथ The teacher divides his students into groups to explore the properties of triangles and circles among themselves. में बांटते हैं अलग-अलग ग्रुप में और प्रत्येक ग्रुप इसी एक्टिविटीज को करेंगे He then uses three written questions to focus the group work and challenge his students. कि बांस की छड़ियों की लंबाई को किस तरह बदला जा सकता है आप ये खुद एक्टिविटीज करेंगे जो आपने अभी देखा है दूसरा इसमें और क्या बदलाव होगा क्या जैसे का तैसा रह जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा तीसरा क्या वे एक गणितीय कथन कह सकते हैं जो इस बात का वर्णन करेगा कि वे क्या सोचते हैं The teacher encourages the groups to write notes on their thinking as they work. जैसे यहाँ पर रन किया गया वैसे बनाएंगे पहले ट्रायंगल से सर्किल उधर चले जाइए इसका ठीक बना तुम्हारा नहीं हो पाएगा इसका हो जाएगा अच्छा कोई बात नहीं किसी का भी हो जाए चलो After the group work, The teacher elicits feedback by asking his students a series of open questions. और हमने आपको तीन टॉपिक दिया था ठीक है तो ये ग्रुप चलिए आपने क्या फीडबैक लिया ये गणितीय कथन आपके सामने क्या आया आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रुप में बताइए सब लोग सुनेंगे इसके सर, हमने एक समझा यहाँ पर आप यहीं पर बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज को गोल घुमाया जाए तो इस त्रिभुज के द्वारा एक गोलाकार पथ का निर्माण होता है जिसे वृत्तीय पथ कहते हैं और यदि समद्विबाहु Observe how the teacher gives his students the time to think when they are formulating their responses to the questions. आपस में सर्वांगसम होता है यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं बांस की छड़ी की लंबाई के किस तरह बदला जा सकता है तो बांस की छड़ी की लंबाई को पलट कर बदला जा सकता है अब जैसे कि तो ये यहाँ पर एक गणितीय कथन आ रहा है कि अगर उस त्रिभुज को ओवरलैप करके अगर अलग बनाया जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ये आपने पाया चलिए ग्रुप ये हमारे पास आया कि अगर जीवा असमान हो तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं अच्छा अगर जीवा असमान हो तो केंद्र पर आदित करता है कौन वो भी असमान होता है बहुत को चलिए विकास केवल गणितीय स्टेटमेंट बोलिए हमारा गणितीय स्टेटमेंट यह निकला कि इससे एक गणितीय कथन यह है निकलता है कि इसमें बने प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा आपने समबाहु त्रिभुज बनाया यस सर ये त्रिभुज जो था वो उसकी तीनों भुजा लंबाई बराबर थी बराबर थी तो आप क्या पाए उससे तीनों कोण बराबर होगा और तीनों कोण का मान एक एक कोण का मान 60 डिग्री होगा चलिए बहुत खूब आई शशिकांत हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी लिया
जिसमें ए बी समांतर ए सी था और बी सी को आधार लिया. The teacher now uses probing questions to prompt further thinking and discussion. किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को अगर वृत्त का केंद्र मानकर अगर हम बनाएंगे तो वो वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा. अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट आया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो उसके द्वारा बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा. ऐसा क्यों होगा कि वह समद्विबाहु होगा? क्योंकि जब हम किसी वृत्त के अंदर अगर दो त्रिभुज बनाया अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उनके जो समांतर भुजा है वो दोनों बराबर और उनके जीवा भी बराबर होते हैं. तो भुजा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वो दोनों वृत्त का क्या हो जाता है? वृत्त का वो त्रिज्या हो जाते हैं. In what ways could you improve your questioning techniques? And how could you give your students opportunities to ask their own questions?